नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। DGP भट्टी ने दो IPS को दी है बड़ी जिम्मेदारी। वामपंथी और इंटर स्टेट गिरोह के खिलाफ तेज होगा ऑपरेशन। बता दें कि बिहार में अपराधियों के काले मनसूबे को लगाम लगाने को लेकर DGP भट्टी एक्शन मोड में आ गए हैं। इसको लेकर अब वो पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब बिहार के DGP ने आदेश जारी करके दो IPS अधिकारियों को दो बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी है। आपको बता दें कि DGP भट्टी की तरफ से यह आदेश राज्य में वामपंथी संगठनों और अपराधियों के इंटर स्टेट गिरोह के खिलाफ तेज ऑपरेशन करने को लेकर जारी किया गया है। दरअसल बिहार में अपराध निवारण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें आपको कि राज्य में वामपंथी उग्रवादी नक्सली संगठनों और अपराधियों के इंटर स्टेट गिरोह के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन की शुरुआत होगी। इसको लेकर बिहार पुलिस ने दो स्तरों पर ऑपरेशन चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर DGP राजविंदर सिंह भट्टी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस के दो IPS अधिकारियों को जो ये जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई है, जिसमें शामिल है IPS जयंत कांत और संजय कुमार सिंह का नाम शामिल किया गया है। बता दें कि जयंत कांत वर्तमान में बिहार आर्म्स स्पेशल पुलिस यानी BSAP के सेंट्रल डिवीजन के DIG हैं। इससे पहले वो मुजफ्फरपुर के SSP थे। इनका नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का एक बहुत ही अच्छा अनुभव भी है। तो वही IPS संजय कुमार सिंह वर्तमान में ATS के SP हैं। ऐसे में अब DGP के आदेश के बाद से ये दोनों ही अधिकारी अपने काम के अलावा स्पेशल टास्क फॉर्म यानी STF के तहत भी काम करेंगे। गौरतलब हो कि ADG ऑपरेशन सुशील मान सिंह खोपड़े ने DGP से नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए भी DIG और SP स्तर के अधिकारियों की डिमांड की थी, जिसको लेकर अब इसके लिए DGP को एक लेटर भी लिखा गया था। उसमें अब DGP भट्टी ने इस मांग को तुरंत माना है और फिर लिखित तौर पर अपना एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि दोनों ही अधिकारियों की तरफ से 3 जनवरी को लेटर लिखा गया था। जी हाँ, बता दें कि जब से भट्टी DGP बने हैं लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार के नए DGP राजविंदर सिंह भट्टी ने आते के साथ ही अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है और अपना अंदाज दिखाते हुए काम करने का स्टाइल भी बता दिया है। बता दें कि पुलिस अधिकारियों के साथ पहली ही मीटिंग में भट्टी ने कहा था कि अपराधियों को दौड़ाना होगा, पुलिस उन्हें नहीं दौड़ाएगी तो अपराधी पुलिस को दौड़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भट्टी है वो अपने हिसाब से बिहार को अपने एक्शन मोड में चला रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24।